एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम सुरंजनपुर था। इस गांव में हमेशा शांति का माहौल बना रहता था। वहां एक बुद्धिमान लड़का रहता था, उसका नाम राहुल था। वह गांव का सबसे बुद्धिमान और ईमानदार लड़का था। राहुल की माँ बीमार थीं। इलाज के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी, लेकिन राहुल के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। एक दिन राहुल ने सोचा, माँ के लिए कुछ करना चाहिए। राहुल ने फैसला किया, वह शहर में काम करने जाएगा। शहर पहुंचने पर राहुल को पता चला कि वहां नौकरी के कई अवसर हैं, लेकिन सारा काम बहुत कठिन और कम वेतन वाला था। राहुल को लगा, अगर मैं कुछ खास कर पाता तो शायद ज्यादा पैसे कमा पाता। एक दिन राहुल की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। बुढ़िया बहुत दयालु और रहस्यमयी थी। उन्होंने राहुल से कहा, अगर तुम सच में माँ के इलाज के लिए पैसे चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। वृद्धा पर विश्वास कर राहुल उसके साथ चला गया। बुढ़िया उसे एक पुराने मंदिर में ले गई। मंदिर के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई किताब थी। बुढ़िया ने कहा, इस ग्रंथ में कई गुप्त मंत्र हैं, लेकिन तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम इस मंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। राहुल ने ली शपथ। बुढ़िया ने उसे एक मंत्र सिखाया जिससे वह किसी भी चीज को सोने में बदल सकता था। पहले तो राहुल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने जादू किया तो देखा कि उसके हाथ का पत्थर सोने में बदल गया। राहुल बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा सकता हूँ। वह कुछ सोना लेकर घर लौट आया। उन्होंने सोना बेच दिया और अपनी माँ का इलाज शुरू कराया। माँ की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया की नजर राहुल की इस ताकत पर पड़ गई। मुखिया बहुत लालची आदमी था। उन्होंने राहुल से कहा, तुम मुझे कुछ सोना लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। राहुल सकपका गया। वह जानता था कि यदि उसने जादू का दुरुपयोग किया तो बुरी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मुखिया के डर से उसने मुखिया को सोना बनाने के लिए मजबूर कर दिया। मुखिया बहुत खुश हुआ और उसने राहुल को और सोना बनाने के लिए मजबूर किया। राहुल ने देखा कि मुखिया का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा खतरा हो जाएगा। एक रात राहुल उस बुढ़िया के पास गया। सब कुछ कहा। बुढ़िया ने कहा, मैं आपकी ईमानदारी और साहस के लिए आपकी मदद करूंगा। बुढ़िया ने उसे एक और मंत्र सिखाया जिससे वह मुखिया का लालच दूर कर सकता था। राहुल ने वह मंत्र सीखा और प्रधान के पास गए। मुखिया के सामने मंत्र का प्रयोग किया। प्रधान अचानक अपना सारा लालच भूल गया और राहुल को धन्यवाद दिया। गांव वाले राहुल को धन्यवाद देने लगे। राहुल ने उनसे कहा, सच्चाई और ईमानदारी रास्ते पर होती है तो सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। माँ का इलाज पूरा हो गया है और राहुल अपने गांव में सुख और शांति से रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और साहस से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लालच और बेईमानी से कभी कुछ अच्छा नहीं होता।